आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आई? देखो, न्यूज पीओके से अजीबो गरीब आते हैं। अभी आपको पता ही है कि मुजफ्फराबाद, बाघ, नीलम वैली, पूंछ, ये जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे प्रदर्शन हुए, जबरदस्त प्रदर्शन हुए। अभी एक न्यूज आई है कि चाइना ने पीओके में वहां के जो लोकल्स हैं उनकी पत्नियों को उठा लिया। पीओके में ये खबरें हैं, बलूचिस्तान में भी सेम खबरें हैं, और इसके खिलाफ शहबाज शरीफ बड़े गुस्सा हुए। चाइनीज ये कर रहे हैं, चाइना ने बोला अरे ये वीगुर मुस्लिम्स हैं, ये अरे पाकिस्तान ने बोला। अब ये देखिए दोगलापन, वहां पे मुस्लिम्स, वीगुर मुस्लिमों की हालत बहुत खराब है। 10 लाख मुस्लिमों को कैद में डाल दिया है चाइना ने, और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। लेकिन अगर यहां पे कुछ होगा भी नहीं, तब भी वो हस्तक्षेप करेगा। हालांकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि 15वां संशोधन वापस ले लिया गया है, 15th अमेंडमेंट वापस ले लिया गया है। देखिए कहानी शानदार है, और एक कहानी अगर मैं बताऊं जो आपको जाननी चाहिए तो वो है 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये शानदार किताब है, लेकिन आप इस किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको सुन सकते हैं बुक समरी के फॉर्म में कुकू एफएम पे। अगर कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज सुनने को मिलेगी। ओके, 1000+ घंटे का कंटेंट है, बेस्ट सेलर्स जो किताबें हैं वो यहां पे अवेलेबल है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ इनका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, वैसे तो 399 का है, लेकिन सोचिए इतनी सारी किताबें जो आप सुन सकते हैं बुक समरीज और ऑडियो बुक के फॉर्म में, वो सिर्फ आपको 199 की मिलेंगी अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं SGS50। एक्सक्लूसिव 50% ऑफ है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को जरूर क्लिक करें। उसके बाद आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, प्ले स्टोर पर जैसे ही आप डायरेक्ट होंगे, और उसके बाद वहां से आप कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करें, फिर कूपन कोड को अप्लाई करें, और शानदार कंटेंट, ये जो 1000+ घंटे का कंटेंट है, इसका जरूर फायदा उठाए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं पीओके में, तो बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट हमको देखने को मिला था। क्यों हमको देखने को मिला था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? क्योंकि ये 15वां संशोधन जो है, 15th अमेंडमेंट, इसको लाने की कोशिश की थी यहां पे। अब ये 13 अगस्त को इस बिल को पास कराया जाना था। 24 बार अभी तक कोशिश हो चुकी है कि पीओके को अपने कब्जे में लिया जाए। कहानी यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो कभी उनके नहीं हुए। पाकिस्तान कहता है हमारे कश्मीर पर नजर रखता है, पहले अपना तो संभाल लो। वहां के लोगों ने भयानक प्रोटेस्ट किए हैं, 24 बार कोशिश की, 24वीं कोशिश थी, और यह भी नाकामयाब रही। 15वां संशोधन वापस लेना पड़ा, ये अप्लाई नहीं कर पाए। हालांकि इसमें लोकल बॉडीज के इलेक्शंस थे, एक इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, और यहां पे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि अभी यहां पे पाकिस्तान सरकार के अंडर यहां पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल पाकिस्तान सरकार का नहीं है। यहां पे अलग प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय अभी मतलब बयान आया था प्रधानमंत्री हैदर, पूर्व प्रधानमंत्री का, कि पीओके को खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जैसा बांग्लादेश के साथ सलूक हो रहा था, वैसे ही पाकिस्तान यहां पे इनके साथ सलूक करता है। आपको पता है सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा देता है, सारे रिसोर्सेज ले जाता है। जो जितने भी टेरर कैंप्स हैं वो आपको मुजफ्फराबाद में मिलेंगे, और यहां के लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो अभी भयानक प्रोटेस्ट हुए, भयानक, लगातार आंदोलन किया, लगातार आवाज उठाई, और उसका नतीजा ये रहा कि ये 15th अमेंडमेंट, 15वां संशोधन जो है वो वापस ले लिया है पाकिस्तान ने। ये नहीं करेंगे, समझ रहे, कोशिश फिर करेंगे, ये फिर से लाएंगे, ये 13th अमेंडमेंट के हिसाब से। पीओके में जो ऑटोनॉमी है, मतलब 2018 में ये जो अमेंडमेंट आया कि जो डिसीजंस है वो यहां के लोग ले सकते हैं, ठीक है, यहां की सरकार ले सकती है। लॉ बनाना है, टैक्स लेने हैं, तो आपसे हम नहीं पूछेंगे, लेकिन वो खाली पेपर्स पे है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तानी फौज जो है वो तैनात रहती है। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान है तो चाइना भी साथ में, अब चाइना ने देखा अपने, चाइना ने क्या किया मैंने आपको बताया, और सेम बलूचिस्तान में भी हो रहा है, वहां पे ग्वादर पोर्ट है, वो भी चाइना के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि ये बदतमीजी करते हैं, बीवियों को उठा के ले जाते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं, समझिए।
तो ये चीज है, लेकिन वही है कि पाकिस्तान करे भी तो करे क्या, बोले भी तो बोले क्या, भयानक तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ इनकी इकोनॉमी को, चाइना बहुत ज्यादा लोन दे रहा है, तो बहुत ज्यादा आउटक्राय था। ठीक है, लोगों ने देखिए यहां पे गोलीबारी भी हुई थी और ऐसा भी बोला गया कि यहां पे लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना यहां पे बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाती है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। इंटरनेट बंद कर दिया था अभी पिछले एक हफ्ते से, इंटरनेट और सब बंद था, कोई खबर नहीं आ रही थी क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा विद्रोह होगा क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कश्मीर के लिए आवाज उठाती हैं वो सड़क पे आ गई थी। उन्होंने कहा कि बस आप कुछ नहीं, अब तो इस पार या उस पार। प्रेशर में आई पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सरकार झुक गई और ये जो बिल था बिल को वापस लिया गया। 10 डिस्ट्रिक्ट में, समझिए कि 10 डिस्ट्रिक्ट में भयानक प्रोटेस्ट हुआ, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, जिसके प्रेशर में पाकिस्तान की सरकार आ गई। हालात बहुत ज्यादा खराब है, इमरान खान को आतंकी घोषित कर दिया गया है। आतंकी आप समझ रहे हो, कल तक उनके पास टाइम है, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, कल तक बेल पे है, उसके बाद परसों क्या होगा पता नहीं। शहबाज गिल ने एक इंटरव्यू दिया था एआरवाई न्यूज पे, जिसकी वजह से एआरवाई न्यूज को बैन कर दिया गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान कह रहे कि शहबाज गिल के साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है, उनकी जिंदगी खतरे में है और हमारी भी जिंदगी खतरे में है, इमरान खान को भी आतंकी घोषित कर दिया गया। अब देख लीजिए कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान ने खुद माना है ये कि भाई सिविल वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। बार बार शहबाज शरीफ जो हैं ये बयान देते हैं कि देशद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे इमरान खान, ये खुद माना है। और ऊपर से पीओके नहीं संभल रहा और बलूचिस्तान में अलग हालात खराब है और अफगानिस्तान में भी अलग हालात खराब है। ठीक है, तालिबान से भी अगर हालात खराब है तो इसीलिए ये जो डिसीजन हुआ है। देखिए होता क्या है ना कि पीओके में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वहां के लोगों को कंसल्ट ही नहीं किया जाता। तुम्हारा घर है भाई, हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं तो तुम ही से ना पूछे कि हम क्या खाना बनेगा या तुम्हारी ना चलने दे तो क्या हालत होगी। तो पीओके में यही होता कि यहां से जो भी डिसीजन लिए जाते, जैसे बांग्लादेश में होता था ना, इनके बिना अप्रूवल के लिए जाते कि अरे तुम हो क्या यार, तुम साइड में बैठो, हमारी चलेगी, यहां पे आतंकवादी कैंप बनेगा, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं बनेगा, सिंपल। ओके, तो ये चीज है। तो लोकल रिपोर्ट के हिसाब से जो बंद जो है वो मुजफ्फराबाद, गिलानी चौक और ये रावलकोट हो गया, बाग हो गया, पूंछ हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, नीलम वैली, इन सब जगह बंद का आह्वान। ये सब बहुत बड़ा, नीलम वैली तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, तो सब जगह हमें देखते हैं कि इसका आह्वान किया गया और इसका असर हुआ, लोग अपने घरों से निकले। अब भाई आप किस पे रूल करोगे, आप किस पे रूल करोगे? लोग चाहिए ना आपको, लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, मार दो सबको आप, क्या है, सरकार मार दे, खत्म कर दे, लेकिन फिर बचा ही क्या, आप गए काम से। तो इस प्रेशर में इन्होंने ये जो है इसको वापस लिया। ठीक है, 13th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और लगातार विद्रोह जो होते रहते हैं और बहुत लोगों में गुस्सा था, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है यहां पे भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार एरिया है भाई कश्मीर, अगर हमारे जैसे जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, वो अगर आप उसको देखो तो इकॉनमी बहुत बढ़िया है वहां की, पता है ना, कश्मीर की इकॉनमी बहुत बढ़िया है। ड्राई फ्रूट्स, सेब, जो कमर्शियल क्रॉप्स है, जो फ्रूट्स है, वो कश्मीर में होते हैं और उससे भारत की इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। सेम गोज विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां पे रिच फॉरेस्ट, माइनिंग, वाटर रिसोर्सेज है, ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े जो कि पाकिस्तान यूज करता है, उनको कुछ भी नहीं देता है, गरीब लोग मिलेंगे यहां पे आपको, तो मुश्किलें तो बहुत ज्यादा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये किताब, शानदार किताब, 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसकी बुक समरी आप जरूर सुने। कहां पे सुनेंगे आप? कुकू एफएम पे, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, द बिगेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप है। कूपन कोड अप्लाई करिए SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा, 199 का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है, 250 शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, कूपन कोड को अप्लाई करें और फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।